राम राम सारे ने। तो आज हम करने वाले हैं लेग्स का वर्कआउट फॉर बैक मसल्स का लेग्स का, ओके। तो आइए मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ जिससे आपके लेग्स गेन हो सके जल्दी, और अगर आपको ट्राई करेंगे डेफिनेटली 100% गारंटी आपका लेग्स इंप्रूव होगा, लेकिन आप परफेक्ट करेंगे तो ठीक है। आइए जेफरसन स्क्वाट नेम है इसका, ये फॉर बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको लेग साइज गेन करना है तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। सो गाइस डेडलिफ्ट स्टार्ट करते हैं। डेडलिफ्ट आपके हिसाब से जितना लाइट वेट से उतना आप स्टार्ट करिए। हमारा लाइट वेट है 25 kg से स्टार्ट करेंगे हम, मतलब 70 kg से हम स्टार्ट करते हैं। तो अपने एंड तक हमारा जितना PR होता है वो जाते हैं। अगर आपको बैक का लेग मसल जो होता है बैक का लेग मसल अगर उनको गेन करना है तो ये 4-5 steps मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़रूर करें, आपके लेग से पक्का इंप्रूवमेंट आएगा, गारंटी मेरी है। स्क्वाट्स का पोस्चर रहेगा ठीक है, ये स्ट्रेट ग्रिप, ये ऐसे ठीक है, बैक स्ट्रेट एंड अप लाइक दिस 1 2। कट स्टार्ट लाइट लाइट वेट से करें, जितना रेपिटेशन आप निकाल सकते हैं आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना 15 बढ़ाना ना 40 kg, हाँ 40 बड़ा जिम पार्टनर बस इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप लेग्स कर रहे हो तो आपके साथ मिलके कोई प्लेट लगा सके, बस इसीलिए जिम पार्टनर ज़रूरी है। वहाँ पे हर फ्लोर पे आपका पैर स्लिंग खाने लगे तो प्लेट एक ले लो, यूज़ कर लो, प्लेट नीचे लगा लो, रखने के बाद उस पर बार बार क्योंकि आप सर्वाइव करते हैं लाइट वेट और उसमें करते हैं जब हेवी वेट जाने के बाद आपका पैर थोड़ा स्लिंग खाने लगता है तो यहाँ फ्लोर पे कर देते हैं प्लेट लगाने के बाद। न्यू प्यार ट्राई कर रहा हूँ, न्यू प्यार उठ गया तो ब्लॉग में बढ़िया हो जाएगा, और नहीं उठा तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। 5 kg बस एक्स्ट्रा बढ़ाया है अपना, 175 है मेरा PR ठीक है। फाइनली मेरा PR हो गया 180 kg हो गया, अच्छा हो गया इसलिए। तो हम करने वाले हैं अब जैसे मैंने कहा था 4 exercise होगा या 4 या 5 exercise कराऊंगा मैं आप लोगों को ठीक है फॉर बैक मसल्स। तो फर्स्ट हो गया जेफरसन स्क्वाट्स, सेकंड हो गया सुमो डेडलिफ्ट, थर्ड आइए वो कराते हैं
तीसरा हो जाएगा आपको कि आप सुमो स्क्वाट्स कर सकते हैं बारबेल के साथ या स्मिथ मशीन में कर सकते हैं, या फिर मैं एक और मशीन बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, नेवर स्किप लेग डे, लेग बनाओ, क्योंकि सबका पास ये लेग्स नहीं होते। बहुत लोग अपर बॉडी बना लेते, नीचे का पतले से होते हैं, क्योंकि ये मुश्किल है, अपर बॉडी से ज़्यादा मुश्किल है ये। जैसे कि ये देखिए, ये भैया जी अलग चुदियाप कर रहे हैं। ओ स्टार्टिंग हम अपने हिसाब से करेंगे, जितना आपका मैक्सिमम 20,000 निकल जाए, ठीक है, उतना रिडक्शन चाहिए। तो गाइस पैर नोटिस रहे, पैर भी जाएगा थोड़ा सा, और भी की बड़ा कर थोड़ा सा, हाँ वो भी, हाँ पैर भी से में रहेगा, ठीक है, सुमो स्क्वाट्स का डाउन जाएगा। कुछ लोग पता नहीं कैसे एसी में वर्कआउट करते हैं। गाइस अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ना, तो आपके बॉडी में स्वेट होना चाहिए। आप सोचो कि एसी में वर्कआउट कर रहे हो, पसीना नहीं आ रहा, बॉडी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं होगा भाई साहब। ऐसे बॉडी नहीं बनेगी, पसीना निकालना पड़ेगा। जिम में क्यों आए हो? स्वेट करने के लिए, बॉडी स्वेट हो, इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो, ये सब करने के लिए ना। कुछ लोग आते हैं जिम में, उन्हें एसी चाहिए होता है, एसी ऑन करो, ठंड गर्मी लग रही है। अरे भाई साहब आप जिम में आए हो, गर्मी नहीं करने, मतलब इतना गुस्सा आता है ना कुछ चीज़ें कि उनको बोलने में गुस्सा आता है। जब तक पसीना नहीं बहाओगे ना, बॉडी नहीं बनेगी। एसी में करने से बॉडी नहीं बनती है, ठीक है, समझ में आओ। गर्मी लाओ बॉडी में, बॉडी जब तक हीट नहीं करोगे कैसे हो। और बॉडी अगर ठंड में रहेगी ना, बॉडी टायर्ड रहेगी, और आप उसमें अगर हेवी लिफ्टिंग करोगे तो आपको इंजरी हो सकती है, आपको चोट लग जाएगी, ये फैक्ट है। हेवी करोगे ना, ये ऐसे पूरा मत करना, ये स्ट्रेट मत करना, उसको हमेशा ऐसे रखना। स्ट्रेट करोगे टूट जाएगा, उसको ऐसे नहीं, ऐसे ओके okay. नहीं तो बोलता ये ऐसे नहीं बनते लेग्स, ऐसे नहीं बनते, किसी को बताना मत। अब मेरा बना के लेग्स कैसे बनती है, बनाएगा नहीं कोई। आप सिंगल डेडलिफ्ट करने जा रहे हैं, ये आप कर सकते हैं, चाहे आप डंबल से कर सकते हो या फिर आप बारबेल से भी कर सकते हो, जैसा आपके लिए बेटर हो। और अगर चूतिए हो तो इसकी तरह करो, देखो कोई मसल कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं कोई मसल कनेक्शन कुछ नहीं, खाली बस मस्जिद मशीन में करना है। सच आप डंबल से डेड सिंगल डेड लिफ्ट, डंबल से डेड लिफ्ट कर लोगे, सच आप बेटर रहेगा। क्या कनेक्शन हुआ? ओह तो ज्ञान आने के बाद वापस यहीं आया था, देखिए यही करना है। ये ग्लूट्स के लिए गाइस, ठीक है, ये इसका सिंपल बात है, इसका ग्लूट्स ना हो वो एक्सरसाइज कर सकता है। गर्ल्स तो डेफिनेटली करे, लेकिन बॉयज़ का अगर ना हो ग्लूट्स तो वो एक्सरसाइज वाला कर सकता है, तो खराब एक्सरसाइज नहीं है। ओके ऊपर होल्ड ब्रो। सो गाइस वो हो गया ग्लूट्स एक्सरसाइज, ठीक है, ये लेग कर्ल है आपके जिम में, आपको लेग मशीन होगा, लेग कर्ल होगा कहीं भी, तो आप ये कर सकते हैं। भाई
उसके बाद लेग प्रेस, ठीक है। ये मेरा तीसरा सेट है, तो मैं लास्ट अपना हैवी ट्राई मार रहा हूँ 300 kg। ओके, आप लोग जितना हो मैक्सिमम स्टार्टिंग करें, हमेशा इतना वेट लगाओ, उसमें 20 रेप निकालना चाहिए, 16 रेप, ठीक है। उसके बाद आप वेट बढ़ाते हो तो रेपिटेशन 20 के बाद फिर आप कर सकते हो 12 या 15, उसके बाद फिर 12 या फिर 10। इतना एक्सपर्ट जाओगे, एक्स्ट्रा जाओगे सेट्स में रहते हो ना, आपका फायदा होगा, ठीक है। 3 सेट ही करो, लेकिन रेपिटेशन बहुत अच्छा रखो, और यही कर रहे हो तो 8 से 10 रेप काफ़ी है। लेग प्रेस खत्म हो गया, अब लास्ट बचा हुआ है काफ मसल्स, फोर काफ। ओके, ये हम स्मिथ मशीन में करें क्योंकि ये बेटर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बेटर फील होता है इसमें करने में। तो आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सेफ्टी हमेशा ध्यान रखें, सेफ्टी लोग इम्पॉर्टेंट है आपके। So guys, देखिए इसका लेग्स इसका बड़ा है, ट्रेंड मेरे को जाता है, साले को पूछ लो, अपने संग लेग्स करा करा के नेचुरली लेग्स बनता है। नेचुरली सब कुछ पॉसिबल है, और आप हार्ड वर्क करोगे तो। ज़रूरी नहीं प्रोटीन लो, डब्बा खाओ तो बॉडी बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तरह रोटी सब्जी खाओ। सो गाइस, लेग वर्कआउट डन हो गया, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। गाइस वर्कआउट हो गया, लेग्स कंप्लीट हो गया, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगा तो, मोर वीडियोज़ के लिए आप रिकमेंड कर सकते हो, सब बना दूँगा आप लोगों के लिए।